हेलो दोस्तों शुद्ध आयुर्वेद में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे लीवर डिसेज के ट्रिप्स और उपचार के बारे में दाहिनी भाग की पसली के नीचे एकीर्त होता है एकीर्त रोग आरंभ होते ही कंपन देकर ज्वर बुखार आता है बाद में बुखार तो शांत हो जाता है लेकिन एकीर्त की बीमारी बनी रहती है रोग जब धीरे धीरे पुराना हो जाता है तब एकीर्त कठोर एवं पहले से बड़ा हो जाता है एकीर्त के स्थान को दबाने से दर्द करता है मेहनत से एकीर्त में दर्द होता है अपने आप भी बिना परिश्रम के दर्द होते रहता है जीव सफ़ेद सिर दर्द कमजोरी रक्त लपाता अनपच दाहिनी कंधे के पीछे दर्द टट्टी आ तट्टी आओ युक्त कीचड़ जैसी मुंह का बेस्वाद आदि लक्षण होता है कब्ज और पेट में गैस जमा होना इनके प्रमुख लक्षण हैं रोग जब बढ़ता है तब आघात रूप ले लेता है और अंत में एकीत का संकोचन होकर रोगी की मृत्यु हो जाती है अमेबिक पेचिस पुरानी होने पर अमेबा रोगाणु एकीर्त में जाने से पुराना मलेरिया जोर कुनैन या पारे का दुर्व्यवहार अधिक शराब पीना गर्म जगह रहना अधिक मिठाई खाना आदि लक्षणों से एकीर्त रोग की उत्पत्ति होती है पुनर्नावादिक वात और गौमूत्र संभाग मिलाकर खाली पेट पीने से एकीर्त रोग में इससे अच्छा दवा एकीर्त रोगों के लिए कुछ भी नहीं है नींबू के चार भाग कर ले पर टुकड़े अलग न होने दे एक भाग में काला नमक दूसरे भाग में काली मिर्च और तीसरे भाग में सौठ के चून और चौथे भाग में मिश्री मिलाकर रात को प्लेट में रख कर ढक दे सुबह तावे पर गर्म कर चूसने से एकीर्त एवं लिमड़ सही होगा भूख बढ़ेगी ऐसे मरीज़ के लिए धनिया सौठ काला नमक चून बनाकर रख रक, रखिए और दिन में तीन बार सेवन करने से मंदाग्नि ठीक होता है एक को शक्ति फुर्ती मिलती है एवं भूख लग पंद्रह ग्राम अजवाइन प्रथम मिट्टी के बर्तन में सौ ग्राम पानी में रख कर भिगो दे दिन को छत दिन को छत के अंदर रखे रात को खुले ओस में रखे दूसरे दिन प्रातः छान कर पिए लगातार पंद्रह दिन पीने से इससे बढ़ा हुआ अकीर्त ठीक हो जाता है और भूख खूब लगता है पिता पेट को साफ करता है एक को ताकत देने वाला होता है छोटे बच्चे जिनका एक खराब रहता है उन्हें पपीता बैगन से बैगन खाने से बढ़े हुए एक में आराम मिलता है एक गिलास पानी में बारह तुलसी के पत्ते उबाल कर चौथाई भाग रहने पर छानकर पीने से एक का बढ़ना एवं के अन्य रोग ठीक हो हैं